الحمد لله العلي الأكبر الذي لا رد لما قدر ولا دافع لما شاء من نفع وضرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مخلص بوحدانيته أقر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر وإلى كافة البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجس أو كما قال عليه السلام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی بعض آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات اور ان کی ترجمانی کی گئی تھی. آج کے خطبے کا موضوع بھی وہی ہے. قرآن مجید میں اور دو تین مقامات پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند باتیں کچھ وضاحتوں کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میرے دوستو، دنیا میں جتنے انسان جیتے ہیں اور جی رہے ہیں، ہر ایک کے دو کام ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کچھ کرتے ہیں. ہر آدمی کی زندگی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ان دو باتوں سے، ان دونوں چیزوں سے اس کی زندگی مرکب ہوتی ہے. یعنی سوچ وچار اور کچھ اعمال کا اختیار کرنا. ہر آدمی سوچتا ہے، اس کو سوچنے کا حق ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے اور اس کو کام کرنے کا حق ہے. مگر ایک بات جو نہایت ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فکر کا درست صحیح کرنا ضروری ہے اور عمل کا صحیح کرنا ضروری ہے. یہ بات کیوں؟ اس واسطے کہ جو آدمی اچھی فکر اور اچھا عمل اختیار نہیں کرتا، وہ آدمی جنت کے راستے پر نہیں بلکہ جہنم کے راستے پر جاتا ہے. اور جو آدمی اچھی فکر اور اچھا عمل کرتا ہے، وہ آدمی جنت کی طرف جاتا ہے. جو اچھی فکر نہیں کرتا، اچھے عمل نہیں کرتا، وہ آدمی جہنم کی طرف جاتا ہے.
तो अब अहम बात यह रहती है कि भाई अच्छी फिक्र अच्छा अमल किसे कहते हैं। एक आदमी, एक मुस्लिम, एक मोमिन यही कहेगा कि भाई अच्छी फिक्र वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और बुरी फिक्र वो जो कुफार और मुशरिकीन इख्तियार करते हैं। अच्छा अमल वो जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और बुरे अमल वो जो कुफार मुशरिकीन मुलहिदीन जनादका बददीन किस्म के लोग इख्तियार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे दोस्तों, हर आम तौर पर लोगों के रहन में ये रहता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सोच सही है, और हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही है। आमतौर पर ऐसा होता है। इस किसी से भी आप पूछेंगे वो या दूसरे मानो में यूं समझिए कि हर आदमी, हर ग्रोह, हर पार्टी, हर ग्रुप, हर जमात इस बात की गोया दावेदार रहती है कि हम अच्छाई पर हैं, हम सच्चे हैं, और दूसरे तबकात, दूसरे फिरके, दूसरी जमातें, दूसरे ग्रोह, दूसरे ग्रुप, दूसरे लोग गलती पर हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसी सूरत में, जबकि खास तौर पर आज के इन हालात में, जबकि इंतहाई नामुसाइद हालात हैं, फिक्रें पेचीदा दर पेचीदा हो गई हैं और अमाल इंतहाई नागुफ्तगी हो गए हैं, और इतनी ज्यादा उलझने फिक्र और अमल में आ गई है कि बेशतर नौजवान तो हमको ऐसे ही मिलते हैं कि साहब हमको ये नहीं मालूम होती बात कि हक पर कौन है, ना हक कौन है, सच्चाई पर कौन है, अच्छाई पर कौन है, गलती पर कौन है, हक जमात कौन सी है और बातिल जमात कौन सी है, इस तरह की बात नहीं थी। मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में एक खसूसी बात याद रखें, ये जो इख्तलाफ होता है ना, ये इख्तलाफ दो किस्म का होता है खसूसियत के साथ। उस खास तौर पर आप देखेंगे कि वो अफकार व आमाल जो मुख्तलिफ फिरकों, मुख्तलिफ तबकों, मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ अफराद और मुख्तलिफ तंजीमों, तहरीकों वगैरह के जरिए से हमारे आपके सामने आते रहते हैं, हर आदमी का यही मंशा रहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं बस वो ठीक है, दूसरे जो कर रहे हैं वो सही नहीं। भाई, एक तो है अवामुन्नास का मसला, वो अपनी जगह पर है मुस्तकिल के अवामुन्नास की इस्लाह के लिए क्या तरीके का इख्तियार करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, इससे हटकर भी खसूसियत के साथ दो किस्म के इख्तलाफात शुरू ही से रूनुमा हुए हैं। एक इख्तलाफ कहलाता है इज्तिहादी। इज्तिहादी इख्तलाफ आपको एक मिसाल से समझ में आ जाएगा। और इज्तिहादी जो इख्तलाफ होता है ना, जैसे इमाम अबू हनीफा का इख्तलाफ है, इमाम शाफई का इख्तलाफ, या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इख्तलाफ, या इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इख्तलाफ, ये जो मसाले के अरबा के इख्तलाफात हैं और फुकहाए उम्मत की जो मुख्तलिफ राय चीजें हैं, इस तरह ये सहाबे किराम ही के दौर से वो चीज चलती रही। ऐसा नहीं है कि इमाम अरबा के दौर में इख्तलाफ राय आया, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इज्तिहादी इख्तलाफ आता रहा। उसकी एक सादा मिसाल यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे किराम से ये बात कही, आप सहाबे किराम के को एक मुकाम पर भिजवाना चाहते थे। उन सहाबे किराम से मुखातिब होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला युसल्लियन अहदुकुम अल असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा,
बनू कुरैज़ा कबीले का नाम है, एक मुकाम का भी नाम है, उसी से मंसूब होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर यूं कहा, तुम में से कोई असर की नमाज न पढ़े मगर बनू कुरैज़ा में पहुंचकर। बनू कुरैज़ा की आबादी में पहुंचकर पढ़ना है, यहां न पढ़े। जब काफिला चला तो असर का वक्त करीबुल खत्म था, पहुंच नहीं सके थे। असर का वक्त करीबुल खत्म था तो सहाबे किराम में दो राय हो गई। एक ग्रोह, एक जमात, एक तबका, कुछ हजरात वो थे जो ये कह रहे थे कि असर यहां पर नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ हो, सजा हो सजा हो रही नहीं हो रही इससे बहस नहीं। जी इस तरह की बात उन्होंने कही। कुछ अफराद इस ख्याल के हो गए कि हुजूर ने कहा ला युसल्लयन, कोई नहीं पढ़ना है असर। अच्छा जी, दूसरा ग्रुप वो था, जमात के दूसरे अफराद हुए थे जिन्होंने ये कहा कि हुजूर अकरम सल्लम का मंशा जल्दी बनू कुरैज़ा पहुंचना था, ये मंशा नहीं था कि नमाज सजा की जाए। समझ रहे भाई, बहुत साफ मिसाल है, ये मंशा नहीं था कि नमाज सजा की जाए। एक होता ये हमसे ये हुई कि हम जरा सा लेट पहुंच रहे हैं, उसमें मजीद और नमाज को खजा करके मजीद और उन कोताहियों में इजाफा करना ये सरकार का मंशा नहीं है। जो लोग उन अल्फाज के जाहिर की तरफ सिर्फ नजर रख रहे थे कि सरकार ने ये बात कह दी कि न पढ़े असर, बस नहीं पढ़ना है, सजा हो दो कुछ भी हो दो, दूसरे सहाबा ये कह रहे थे कि मंशा जल्दी पहुंचने का था, ताखीर हो रही है, ये मंशा सरकार की बात का नहीं था कि नमाज का तरजीह सजा की जाए, इसीलिए एक कोताही दर कोताही हो जाएगी, बेहतर यह है कि नमाज पढ़ लें। इस आरा का इख्तलाफ हुआ। एक जमात वो थी जो बगैर असर के पढ़े उस मकाम पर पहुंची, दूसरी जमात वो थी जो असर पढ़कर उस मकाम पर पहुंची। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आका के सामने ये तमाम तफसीलात आई तो हुजूर ने किसी को भी गलत नहीं कहा। इसको बोलते हैं इज्तिहादी इख्तलाफ। समझ रहे भाई, ऐसे ही इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा अगर किसी फिक्की मसले को सही कह रहे हैं तो बिल्कुल या दूसरे अकवाल को बातिल करार नहीं देते, बल्कि ये कहते हैं कि इस्तिदलाल की रोशनी में, इज्तिहाद की रोशनी में, कुरान और सुन्नत के तहत में, इस फिक्र सही की रोशनी में कि कोई बात खिलाफ सुन्नत न हो और कोई काम अमल साले से हटा हुआ न हो, इस तरीके से आरा का इख्तलाफ इज्तिहादी इख्तलाफ हुआ। मेरे दोस्तों उसकी वजह से ये जो इज्तिहादी इख्तलाफात हुए इसमें अल्लाह की रहमत होती है, इसमें कोई सहमत नहीं होती। किसी के बारे में फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमतन, ये ऐसे मुकाम के लिए है इज्तिहादी इख्तलाफ के रहमत होने का मतलब ये जी, ये मतलब नहीं है कि कोई शिया है वो भी रहमत, कोई रावली है वो भी रहमत, कोई सिद्दीक दीनदार है वो भी रहमत नऊज़ बिल्ला, कोई कादियानी है नऊज़ बिल्ला वो भी रहमत जी, और कोई दस्तूर के खिलाफ करता है वो भी जी, ऐसा नहीं, और कोई गैर मुकल्लिद है वो भी रहमत जी, ऐसी बात नहीं है। इस किस्म के जो फिरके वजूद में आए ये नजरियाती इख्तलाफात हैं, इज्तिहादी इख्तलाफात नहीं। इज्तिहादी इख्तलाफात अइम्मे अरबा के बीच है और उनके मानने वाले सवाद आजम कहलाते हैं, और फिरकों के बारे में जो आम तौर पर दुनिया में पाए जाते हैं इजमाली तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में निशानदेही भी फरमाई है। क्या फरमाई, फरमाया
अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिश्का शरीफ की हदीस में है। इस रिवायत को मुख्तसर करके भी नकल करते हैं, कुछ और अज़ा और किताबों में भी मौजूद है। खुलासा उस रिवायत का ये है, तफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला, मेरी उम्मत 73 मिल्लतों में फिरकों में तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नमी होंगे। इल्ला वाहिदा, मगर सिर्फ एक फिरका, एक जमात वो होगी जो नजात पाएगा। एक मिल्लत वाहिदा, एक है वो जन्नत में जाएगा, उसको फिरका नाजिया कहते हैं अहादीस मुबारका, नजात पाने वाला फिरका। सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी वक्त पूछा, मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फिरके नाजिया कौन है, वो नजात पाने वाला फिरका कौन सा है, वो मिल्लत कौन सी है, वो जमात कौन सी है जो नजात पा जाने वाली है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अन अलैही वासहाबी, वो तरीका जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा, अना व सहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। यहां पर मुहद्दिसीन हजरात ये कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा और आपने जिन जिन जिस जमात की निशानदेही फरमाई वो जमात भी पढ़ा। इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मियार हक, और वो तो असल है मियार हक का, और आपकी तबईयत है हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरे के पूरे सब के सब हक पर हैं, बरहक हैं और मियार हक हैं, हक और बातिल के परखने का मियार है। और हक और बातिल को परखने के जैसे सोना चांदी परखना होता है, सोना परखते हैं तो सोना परखने के लिए कसौटी का इस्तेमाल होता है, तो वो कसौटी बता देती है कि ये जी खोटा है या खरा। लेकिन मेरे दोस्तों, खरा और खोटा तो वो पत्थर बतला देता है जिसको कसौटी कहा जाता है, मगर नऊज़ु बिल्लाह सहाबा किराम के बारे में वो कसौटी वैसी नहीं है कि जो कसौटी खरा और खोटा तो बता देती है लेकिन वो खुद भी ना खरा होता ना खोटा होता, ऐसा नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं वो हक और बातिल के परखने का मियार है, और वो ऐसी कसौटी है कि वो हक पर हैं और खुद भी मियार हक हैं। इसीलिए हजरत महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने गुनियतुत तालिबीन के अंदर मसलक अहल सुन्नत की वजाहत करते हुए फरमाया, फिलुल मुमिन, साहेब ईमान का काम, साहेब ईमान का अमल, साहेब ईमान की बात, काम क्या होता है, इत्तिबाउ सुन्नति वल जमाअ, सुन्नत और जमात की पैरवी, सुन्नत और जमात की पैरवी। फिर आगे फरमाया, अस्सुन्ना मा सन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत वो तरीका जिस तरीके को बताया और किया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अस्हाब से मुराद, जमात से मुराद, मत्तफक अलैहि अस्हाबु रसूलुल्लाह, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और उनकी जमात जिस बात पर मुत्तफिक हो गई, हुजूर और उनके सहाबा, जमात से मुराद जमात के सहाबा। तो एक है सुन्नत वाली बात और एक है जमात वाली बात, तो सुन्नत और जमात को जमा करना है। सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का नाम, काम का नाम, तरीक का नाम ही सुन्नत नहीं, बल्कि इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह, ये एक बुजुर्ग हैं, इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है, ये लकब के साथ हैं, कुनियत के साथ, वो कहते हैं कि अस्सुन्ना ये अत्तरीकुल मसलूक, सुन्नत वो रास्ता जिस पर चला जाना चाहिए, वज़ालिका अत्तरीक यशमलु ज़ालिका अत्तमस्सुक, ये बात और ये गिरफ्त शामिल है इस बात को, किस बात को, कि बिमा कान अलैहि हु, वो बात जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है
वो तरीका जिस पर आखा मौजूद हैं, और वो बात जो हुजूर ने बताई, और वो काम जो हुजूर ने समझाया, और वो तरीका जो नबी ने बताया, वल खुलफा और राशिदून और खुलफाए राशिदीन उनको शामिल किया, सरकार के तरीके के साथ सहाबे किराम के तरीके को बताया गया। यूं समझिए कि हुजूर सहाबे किराम की फिक्र और अमल आ हजरत की फिक्र और अमल है। आपकी जो फिक्र थी सहाबा की वही फिक्र थी, आपका जो अकीदा था सहाबा का वही अकीदा था, आपका जो अमल था सहाबा का वही अमल था। आपने अपने बरहक और मेयार हक होने को बताया, उसी बात में सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला ने उनको शामिल फरमाया। इसीलिए हदीसों में आप पढ़ते हैं, फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मय्याशु मिनकुम बादी, तुम में से कोई आदमी वो बहुत से वो होंगे जो मेरे बाद रहेंगे इस दुनिया में, मतलब मैं दुनिया से चला जाऊंगा गुजर जाऊंगा। अब दुनिया में तो लोग आते जाते रहते हैं, तो अब मैं तो दुनिया से गुजरा, अब लोग रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे, फसल यरा इख्तिलाफन कसीरा, मेरे बात में बहुत से इख्तिलाफात देखेंगे, तो क्या करना, अलैकुम बिसुन्नती, तो तुम मेरे तरीके को थाम लेना। देखो भाई, सुन्नत के लफ्ज बोलते ही हुजूर अकरम सल्लम के सारे तरीकों पर उसका इतलाक आता है, एतकादात अमाल अकवाल जी, मिन एतकादात वल अमाल वल अकवाल वज़ालिका हिया सुन्नतुल कामिला वतिल्का हिया असुन्नतुल कामिला, ये सुन्नत कामिला कहलाती है, जिसमें एतकादात भी दाखिल है, अमाल भी दाखिल है, अमाल भी दाखिल है, अफाल भी दाखिल है, अकवाल भी दाखिल है, उसको सुन्नत कामिला कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया के अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम, अलैकुम बोलने का क्या मतलब होता है, तुम पर लाजिम है, जिसे कहा जाता है हदीसों में रिवायतों में किताबात में, अलैकुम बिसिद्क, तुम्हारे ऊपर लाजिम है सच्चाई, इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ से बचना वाजिब है। वैसे वक्त बोलते इय्याकुम, अलैकुम का मतलब होता है लाजिम है तुम पर, इय्याकुम का मतलब होता है बचना जरूरी है तुमको। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती वल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, मेरी सुन्नत को मजबूती, फरमाया अज़ु अलैहा बिन नवाजिस, अज़ु अलैहा बिन नवाजिस, किताब व सुन्नत असली मियार तो है ही, अवलियत का दर्जा रखते ही है, इन्नी तरक्तु फीकुम उम्रैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, ऐसे एक रिवायत में है, मा इन इअ्तसमतुम बिही लन तज़िल्लु अबदा, अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे तो तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अल्लाह की किताब यानी कलाम इलाही, और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी तरीके नबविया, जिसकी तफसील कुछ आपके सामने आ रही है। हजरत अलैकुम बोलने का क्या मतलब होता है, तुम पर लाजिम है, जैसे कहा जाता है हदीसों में रिवायतों में किताबात में, अलैकुम बिसिद्क, तुम्हारे ऊपर लाजिम है सच्चाई, इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ से बचना वाजिब है। वैसे वक्त बोलते इय्याकुम, अलैकुम का मतलब होता है लाजिम है तुम पर, इय्याकुम का मतलब होता है बचना जरूरी है तुमको। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती वल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, मेरी सुन्नत को मजबूती, फरमाया अज़ु अलैहा बिन नवाजिस, अज़ु अलैहा बिन नवाजिस, किताब व सुन्नत असली मियार तो है ही, अवलियत का दर्जा रखते ही है, इन्नी तरक्तु फीकुम उम्रैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, ऐसे एक रिवायत में है, मा इन इअ्तसमतुम बिही लन तज़िल्लु अबदा, अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रहोगे तो तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अल्लाह की किताब यानी कलाम इलाही, और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी तरीके नबविया, जिसकी तफसील कुछ आपके सामने आ रही है। हजरत जी शेख अहमद रूमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बस वो है तरीका। इसी तरीके से अगर किसी ने सहाबा के तरीके को उस तरीके के साथ शामिल नहीं किया तो हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा आमना बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युअक्किर असहाबहू। जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को की ताजीम न करे और उनको मुअज्जज न समझे और उनको बाइज्जत न समझे और उनकी इज्जत न करे, ये वो शख्स सरकार पर ईमान ही नहीं लाया। मा आमना बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युअक्किर असहाबहू। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात शेख अल्लामा ताबी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं और इसी अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं, क्या बात कि मिन इतिकाद अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात के इतिकादात और उनके उसूलों में ये बात दाखिल है कि उनकी जुबान और उनकी फिक्र, उनके दिल, उनकी जुबान और उनके दिल सहाबे किराम के बारे में तनखीद का निशाना न बनाए, बल्कफ अन सब, हाथ रोक लेना, जुबान रोक लेना, अपनी फिक्र को तनखीद का निशाना बन जी, अपनी फिक्र से उनके ऊपर तनखीद नहीं करना, अपने अमल से उनके ऊपर तनखीद नहीं करना, तहखीर नहीं करना, तौहीद नहीं करना। इसलिए कि जहां जहां तनखीद हुई इसका मतलब ही ये होता है कि उनको कम दर्जा समझा जा रहा है। तनखीद कब करता है आदमी, इसका मतलब ये होता है कि कोई आदमी तनखीद कर रहा है तो उसको परख रहा है किसी बात पर। जब आप अंदाजा लगाइए कि परखने के लिए उससे ऊंचे मर्तबे का मेयार होना चाहिए ना, ऊंचे दर्जे के मेयार हो तो परखेगा आदमी, ये हक है, ये बातिल है, ये सही है, ये गलत है, ये मानो ये मत मानो, ये उसूल के तहत ये गलत वो गलत। अगर इस तरीके का अगर आदमी काम करेगा तो मेरे दोस्त सोचिए कि हुजूर अकरम सल्लम के सहाबे किराम का मेयार हक होना कहां बाकी रहेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों जी किसी की तहखीर मकसूद नहीं, किसी के ऊपर किसी की तनखीस मकसूद नहीं और किसी पर तनखीद करना मकसूद नहीं, मगर ये नजरिया के खिलाफ बराबर बरकरार रहेगा जी जब तक कि वो उस अकीदे बातिला से कोई शख्स तौबा नहीं कर लेता और जब तक कि अकीदे हक्का को कबूल नहीं कर लेते उस वक्त तक नजरिया के खिलाफ बरकरार ही रहेगा जी। इसीलिए इस बात की जरूरत है कि अहले सुन्नत वल जमात के इतिकादात में ये बात मौजूद है कि एक तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का ख्याल रहना है और खास बात यह भी है कि एक बुजुर्ग इशा फरमाते हैं, नाम भूल रहा हूं, ये ऐसे ही इमाम में सिख एक इमाम का नाम था, याद नहीं रहा, वो बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि वो छह अफराद, वो छह अशख़ास जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, उनमें से एक वो शख्स है जो हुजूर अकरम सल्लम के इस तरीकों के खिलाफ चलता है। तगरीक लिसुन्नती मलऊनीन बताया गया कि वो अफराद जिनके ऊपर हुजूर ने लानत फरमाई और अल्लाह की रहमत से दूर, लानत बोले तो अल्लाह की रहमत से दूर होने की बात पेश कर देना, वो लोग मलऊन होते हैं, मजरूद होते हैं, उनके ऊपर फिटकार होती है, खुदा की लानत होती है और अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। और इसीलिए आप खुतबात मुख्तलिफ मौकों पर सुनते रहते हैं, उसमें से एक जुमला आप ये भी सुनते हैं जी के मन दगीबान सुन्नति फलेस मिन्नी, जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज करता है वो मुझसे नहीं है। रगीबा के आमतौर पर रगीबा का लफ्ज जब अरबी में इस्तेमाल करते हैं ना तो आमतौर पर शादियों में ये रहता है कि साहब रगबत का लफ्ज है ना यहाँ तो बल्कि रहता है तो वो मैलान के माना में आता है जी, झुकाऊ के माना में आता है और जी फिक्री मैलान के माना में आता है, दिल का लगना और इस तरीके से मायल होने के मफहूम में इस्तेमाल होता है। जैसे किसी आदमी का जी लगता है या किसी चीज को अच्छा समझता है तो रगबत होने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज रगबत आता है। तो हदीस में रगीबा के बाद अन आया है, अन जहां भी कुरान में या हदीस में खासतौर पर हदीस इस्तेमाल किया, अगर रगीबा के बाद अन आए, ऐन नून अन आए तो वहां पर एराज के माना पैदा होते हैं। कहां भी आए जहां भी आएगा इस मफहूम को आप हजरात याद रखें। इसीलिए खुतबे निकाह के मौके पर आप हजरात सुनते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलेस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरा नहीं। तो मेरे दोस्तों सोचिए
हुजूर अकरम सल्लम किसको अपना कह रहे हैं? जो तरीके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहा है, और आका ने अपने तरीके में शामिल फरमाया सहाबे किराम को, तो दूसरे मानों में सहाबे किराम को मेयार हक गर्दाना है। इसीलिए इस अहम बात को फरामोश नहीं करना चाहिए। देता हूँ एक बात तो ये है, छोटा सा जुमला आया है कुरान मजीद में, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना जी, हर एक के साथ अल्लाह पाक ने हुस्ना का वादा कर लिया है। यहाँ पर इस जुमले में सहाबा मुराद है जी, साहिब ईमान, अल्लाह ताला उसकी बरकत से पूरे साहब ईमान के साथ वो मामला फरमाएंगे, जन्नत अता फरमाएंगे, जो जो भी जन्नती होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा। लेकिन असली जो मुखातब है वो सहाबे के राम है कि हमने उनमें से हर एक के साथ हुस्ना का, भलाई का, जन्नत का, जन्नत की नियमतों का, और हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बेहतर फैसला हमने कर लिया है सबके लिए। इस कुल्लम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया गया ताकि किसी कच्चे जहन को ये शुबा न हो कि पांच सहाबा तो थे मियारी और पांच सहाबा थे गैर मियारी। ऐसा नहीं है, पूरे सहाबा मियारी थे। इसीलिए हदीस में आया, आपको याद होगी हदीस, छोटी सी हदीस है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सारे के सारे सहाबा सबके सब इंसाफ पसंद, सबके सब हक पसंद, सबके सब मुनसिब मिजाज, सबके सब फिक्र सही और अमल सही के रखने वाले। किसको बोलते हैं अदूल? किसको बोलते हैं अली की जमा है जी। इफ़रात और तफ़रीज़ से बचकर राह औसत का एतबार ही मौजूद है, लेकिन खास तौर पर मुहद्दिसीन ने उसकी जो शरह फरमाई है उसको एक जुमले में आप हज़रात के लिए तोहफे के तौर पर देंगे। अगली का और उदूल का क्या मतलब होता है? फरमाया अय यकून मुस्लिमन बालिगन आकिलन सालिमन मिनल फिस्क वल मासिया, अय यकून मुस्लिमन बालिगन आकिलन सालिमन, बाद रिवायतों में सलीमन आया है महफूज के माना में, सालिमन मिनल फिस्क वल मासिया। अब मेरे दोस्त बाल मरतबा जरा ये शुभ होता है कि साहब किसी जगह कुछ जी कुछ कोताही हो गई, किसी जगह किसी गुनाह का सुदूर हो गया, किसी जगह पर गफलत और कोताही हो गई, तो मेरे दोस्त आप इस बात को याद रखें, बाद लोगों ने जब तौबा की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या जी तुम लोग हट रहे हो, इसकी तौबा को देख कर जिसका खून उछल रहा है तुम्हारे कब्रों पर, अगर उसकी तौबा को मदीने वालों के ऊपर तकसीम कर दी जाए तो पूरों की मगफिरत हो जाए। मेरा दोस्त अगर किसी से किसी तरह की कोताही वहां पे हुई तो अल्लाह पाक करे तो लहुम मगफिरत वाजरुन नजीम का। अगर किसी दर्ज और अगर किसी आदमी की जिंदगी में अगर 16 आने जहां पर अदल हो, सदाकत हो, सच्चाई हो, रातबाजी हो और भलाई हो, फिक्र अच्छी हो, अमल अच्छा हो, रात दिन खुदा का बंदा बना हुआ हो, अगर आते जाते चलते फिरते एक जी इक्का दुक्का कोई जुहूल या उससे गफलत हो गई तो उस बुनियाद पर उसको मेयार हक से गिराया जाएगा, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसी बात नहीं है, वो मेयार हक बराबर बरकरार रहेगा। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा रिजालुन सदकू अला मा आहदुल्लाह अलैहि मिनहुम मन कदा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िरु मा बदलू तब्दीला। बदर में बाद सहाबा शरीक नहीं हो सके थे तो दिल में बड़ा जज्बा था कि हम कैसे हमारे हाल खां जी, हमारा तो ये जज्बा था कि बदर में शरीक हो दे जंगे बदर के अंदर गज़वे बदर में, लेकिन अजीब बात यह कि शरीक नहीं हो सके थे। अब जब मौका आएगा तो हम जरूर अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में सरकार के इरशाद पर अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो खास तौर से कुछ सहाबा के नाम लिए गए, उसमें से एक हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आता है कि जब वो गज़वे उहद में चल रहे थे एक दूसरे सहाबी ने देखा तो कहा कि आप किधर चले, तो उन्होंने कहा कि उहद के पीछे, उहद के दामन में जन्नत की खुशबू आ रही है। किधर? ये जज्बात थे उन लोगों के, चुना चाहे ही हुआ, अब वो शहीद हो गए।
और वहां बाद साहब उम्मीद है कि उसी जज्बे के साथ आए थे, उनकी शहादत का मौका नहीं मिला, लेकिन अल्लाह पाक ने खुशनूदी की आयत मुबारक उतारी और कहा कि वो लोग अपनी नीयत में बरकरार हैं, उनकी नीयत में जर्रा बराबर भी एक रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आई। रिजाल सदकु अलमा हदुल्लाह अलैह मिनहुम मन कदा नहबहु वमिनहुम मन यंतजर वमा बदलु तब्दीला। उनकी नीयतों में कोई फितूर नहीं, उनकी नीयत में कोई जहन कोई खराबी नहीं, उनकी नीयत में कोई छोड़ नहीं। ऐसा नहीं है कि साहब कायबानी में तो ये कह रहे थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब मौका हाथ आ गया तो अब वहां पर आदमी पीछे, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। वो फिक्र और अमल की इंसानियत रखने वाले थे, वो कल्ब और कालिब में इंसानियत रखने वाले थे, जाहिर और बातिन की जामईयत रखने वाले थे। इसीलिए जो आयत मुबारक शुरू में पढ़ी गई वो भी सहाबी किराम की शान ही में जिक्र की गई है। इन्नल्लज़ीना सबकत लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, जिन लोगों के लिए हमने जन्नत मुकद्दर कर दी है और हुस्ना लिख दिया है, इन लोगों को जहन्नम से दूर बहुत दूर रखा जाएगा, कर दिया जाएगा, ये बहुत दूर कर दिया जाएगा। दूसरे मानों में जहन्नम के खरीब भी नहीं ले जाया जाएगा बल्कि वो जन्नत में दाखिल, यानी ये बशारत दी जा रही है कि पूरे के पूरे सहाबा जन्नती हैं। इसीलिए मेरे दोस्त कुल्लुहुम अदूल वाला एतबार, उनके बरहक होने का एतबार, उनके मेयार हक होने का एतबार और हक और बाकी को परखने का मेयार होने की बात खासतौर पर मलहूज और पेश नजर रखिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। खासतौर से बादशाह जी इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि भाई बारिश की बहुत सख्त जरूरत है, इस सिलसिले में दुआ भी करना है, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपना खुसूसी करम फरमाए और हम लोगों के ऊपर रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। اللهم اغثنا غيثا نافعا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر وآخر دعوانا الحمد لله.